ये कलयुग है साहब, यहाँ पे भीड़ को रस कहते हैं कि ये कलयुग है साहब, यहाँ भीड़ को रस कहते हैं। और जो भीड़ में पसंद आ जाए उसे क्रस कहते हैं। चलो दोस्तों, जानते हैं कि आप बिच्छू भी चमकते हैं। आपने जुगनू तो चमकते हुए देखे होंगे, लेकिन बिच्छू के बारे में आज आप जानोगे। और आपने कभी एंगलर फिश के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आपकी इस जिज्ञासा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में नॉलेज प्लस कॉमेडी दोनों मिलेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपने नॉर्मली समुद्र तट पे पाए जाने वाले बिच्छू देखे होंगे, लेकिन कई बिच्छू ऐसे भी होते हैं जो काली रोशनी में चमकते हैं। बिच्छू रात में क्यों चमकते हैं, इसकी पूरी खोज वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन वैज्ञानिक जो जानते हैं वो ये है कि बिच्छू के बाहर के कंकाल में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बिच्छू चमकते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि मेरी गली का एक बंदर भी चमकता है कुछ इस प्रकार। बिच्छू और अन्य कीड़ों के बाहर एक परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। बिच्छू पर इस क्यूटिकल इसके एक्सोस्केलेटन का एक हिस्सा होता है। इस छल्ली में पतली धारा होती है जिसे हाइलिन लेयर कहते हैं। और दोस्तों, हाइलिन लेयर वह है जो पराबैंगनी यानी यूवी प्रकाश जैसे काली रोशनी या चांदनी रोशनी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे बिच्छू का शरीर चमकता है। इसी वजह से बिच्छू हमें चमकते हुए दिखते हैं, जो काफी सुंदर लगते हैं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों बिच्छू की तरह एक और जीव है जो चमकता है, जो एक मछली है जिसका नाम एंगलर फिश है। एंगलर फिश ये भयानक गहरे समुद्र के शिकारियों की तरह दिखती है, और इनके दांत काफी तेज और खुखार होते हैं। ये अपने सर पर लगी लाइट का यूज शिकार करने के लिए करती है, या तो ये शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।